बारिश का मौसम हो और ऐसे में अगर पकौड़े ना बने तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर प्याज के पकौड़े हो तो बात ही अलग हो जाती है। सारे स्नैक्स एक तरफ और प्याज के पकौड़े एक तरफ। प्याज के पकौड़े कुरकुरे ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आज ये कुरकुरे कैसे बनते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्पना मिश्रा और आप देख रहे हैं पकवान विद कल्पना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को और मिलते रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्याज। जिस बर्तन में मुझे बनाना है मैं उसमें ये प्याज मैंने काट लिए हैं। प्याज के पकौड़े कुरकुरे बनाने के लिए प्याज ज़्यादा होनी चाहिए, बेसन कम होना चाहिए। अगर बेसन ज़्यादा हो जाता है तो आपकी पकौड़ी जो है जैसे कढ़ी वाली होती है ना उस तरीके से हो जाती है, तो कुरकुरी नहीं होती। तो मैंने इतने प्याज काट लिए हैं। अब इस प्याज में मैं ये डालूँगी हरी मिर्ची, ये है सूजी। तो मैं बेसन और प्याज की पकौड़ी में मैं सूजी मिलाती हूँ, इससे कुरकुरापन ज़्यादा अच्छा आता है। और बेसन में उतना ही मिलाऊँगी कि जितना मैं इसमें मिलाऊँ और बहुत ज़्यादा ना हो, मिला के देख लूँगी। अगर ठीक से बाइंडिंग हो रही है तो उसके बस उतना ही मिलाना है, बाइंडिंग अच्छे से हो जाए बस। बहुत ज़्यादा बेसन होने से हमारी पकौड़ी जो है सॉफ्ट सी हो जाती है। अब इसमें मैं मिलाऊँगी थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट अनुसार नमक, और मैं इसमें कुछ नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ नमक और मिर्ची हल्दी से ही हमारी ये पकौड़ी बहुत फर्स्ट क्लास पकौड़ी कुरकुरी सी बनेगी। अब मैं इसको मिला लूँगी, क्योंकि प्याज में भी पानी बहुत होता है ना, तो पहले इसको हमें अच्छे से मिलाना है। थोड़ा बेसन और डालना है मुझे। थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी उतना ही डालना है, हल्का सा छींटे मार के बस। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है, इसमें टेस्ट बहुत सुंदर टेस्ट आता है। हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, एक बार तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसको मीडियम कर दीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ आंच में बनाने से पकौड़ी बाहर बाहर तो लाल हो जाएगी और अंदर से अच्छी क्रिस्पी नहीं होगी। तो इसको हम हाथ से ही डालेंगे, जो गीला गीला होता है ना उसको चम्मच से डालते हैं। तो ये हम हाथ से ऐसे अभी हमारे पकोड़े में बबल्स कम हो गए और ये आधी आधी सेक भी गई, अब हम इसको पलट सकते हैं। कलर आने तक क्रिस्पी भी हो गई और अच्छा सा कलर भी, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारे क्रिस्पी प्याज के पकोड़े रेडी हैं, आप चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए। ये देखिए हमारे प्याज के पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू सो मच।